राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है घोड़ावन, कुरंजा, मोर, सारस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा घोड़ावन। घोड़ावन को 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था और घोड़ावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दोस्तों घोड़ावन को ही माल मोरड़ी और सोहन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। घोड़ावन जैसलमेर जिले का शुभंकर भी है। जैसलमेर जिले का शुभंकर घोड़ावन है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ऑप्शन है रोहिड़ा, खेजड़ी, नीम, पीपल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खेजड़ी। खेजड़ी को 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था और खेजड़ी को ही राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और खेजड़ी को राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव वंडर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में खेजड़ी को सिमलो के नाम से जाना जाता है और विश्नोई समाज में इसे समी के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी दिवस की बात करें तो खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है और खेजड़ी की पूजा विजयादशमी या दशहरे को की जाती है। दोस्तों जो अपने लोक देवता है गोगा जी और जुझार जी, उनका मंदिर भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य पशु है। ऑप्शन है चिंकारा, बाघ, भालू, सारस, क्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चिंकारा। चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था और चिंकारा के लिए जयपुर का जो नाहरगढ़ अभयारण्य है, नाहरगढ़ अभयारण्य वो चिंकारा के लिए ही प्रसिद्ध है। और चिंकारा श्री गंगानगर जिले का शुभंकर भी है। श्री गंगानगर जिले का शुभंकर चिंकारा है। दोस्तों राजस्थान के राज्य पशु की बात करें तो राज्य पशु राजस्थान के दो है, पहला चिंकारा और दूसरा है ऊंट। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 2014 में दिया गया था। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज। और पाबूजी को ऊंट के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ऊंट के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य पुष्प है। ऑप्शन है गुलाब, हजारा, रोइडा, कमल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोइडा। रोइडा को 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया है। रोइडा को राजस्थान की मरु शोभा और मरु का सागवान के नाम से भी जाना जाता है। मरु का सागवान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है। लेफ्ट साइड में अपन को जिला दे रखा है और राइट साइड में अपन को शुभंकर दे रखे हैं। तो जालौर का शुभंकर भालू, ये सही है। भीलवाड़ा का शुभंकर मोर, ये भी सही है। जयपुर का शुभंकर राजहंस, ये गलत है क्योंकि जयपुर का शुभंकर चीतल है। चीतल जयपुर का शुभंकर है। झुंझुनू का शुभंकर काला तीतर, ये सही है। तो अपन से क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी जयपुर, क्योंकि जयपुर का शुभंकर चीतल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राजकीय खेल है। ऑप्शन है फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो-खो, कबड्डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को 1948 में राजस्थान का राजकीय खेल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का राज्य नृत्य है। ऑप्शन है घुमरा, घूमर, गेर, चकरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा घूमर।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कथक। कथक के लिए राजस्थान में जो प्रमुख घराना है वो है जयपुर। कथक का राजस्थान में प्रमुख प्रमुख घराना जयपुर। और कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज है। भानुजी महाराज कथक के जन्मदाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य गीत है? ऑप्शन है केसरिया बालम, मिश्री को बाग लगा दे रसिया, हिवड़े से दूर मत जाए पणिहारी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केसरिया बालम। केसरिया बालम को पहली बार उदयपुर निवासी मांगी बाई द्वारा गाया गया था, और केसरिया बालम को सबसे ज्यादा बार गाने का श्रेय बीकानेर निवासी अल्लाह जिला है बाई को जाता है। अल्लाह जिला बाई ने केसरिया बालम गीत को सबसे ज्यादा बार मांड राग में गाया है, मांड राग में गाया है। और अल्लाह जिला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से बीकानेर निवासी अल्लाह जिला बाई को जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है? ऑप्शन है सारंगी, अलगोजा, सहनाई, बांसुरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलगोजा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ऊंट का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है, जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि गजेला गजेला चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रेमेटेरियस है। कैमेलस ड्रेमेटेरियस। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य कवि कौन है? राजस्थान का राज्य कवि कौन है? चंद्रबरदाई, कवि कल्लो है, मंडन, सूर्यमल मिश्रण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? हाथी, ऊंट, जिराफ, घोड़ा। तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है, और ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 2014 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे लेफ्ट साइड में जिला दे रखा है अपन को, और राइट साइड में इनके शुभंकर दे रखे हैं। तो चूरू का शुभंकर कृष्णमघ, ये सही है। जैसलमेर का शुभंकर गोडावन, ये भी सही है। जोधपुर का शुभंकर कुरंजा, ये भी सही है। सवाई माधोपुर का शुभंकर चिंकारा, ये गलत है, क्योंकि सवाई माधोपुर का शुभंकर है बाघ, और चिंकारा शुभंकर है श्री गंगानगर का। श्री गंगानगर का शुभंकर चिंकारा है। अगला क्वेश्चन है, गोडावन को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन है 1981 में, 1991 में, 1983 में, 1978 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1981 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस वृक्ष पर 1988 में डाक टिकट जारी किया गया है? ऑप्शन है धोख, रोइडा, पलास, खेजड़ी वृक्ष। तो खेजड़ी वृक्ष पर 1988 में डाक टिकट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद जिले का शुभंकर है? ऑप्शन है बिजू, जलपिपी, भेड़िया, उड़न गिलहरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भेड़िया। अगला क्वेश्चन है, ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया 1994 में, 1999 में, 2001 में, 2014 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2014 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कल्प वृक्ष है? ऑप्शन है ढाकट्री, साल्ट्री, खेजड़ी, पलास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खेजड़ी वृक्ष।